हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन किया और हमने आपको ये बताया कि हर एक बॉडी का एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है या प्रतिनिधि बिंदु होता है जहां पर अगर हम उस बॉडी के टोटल मास को कंसंट्रेट मान लें और केवल उसी पॉइंट की स्टडी कर ले तो होल ऑफ द बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी हो जाती है, वो कहलाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल मोशन को इजी बना देता है। जब भी हमें किसी एक रिजिड बॉडी या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या किसी एक एक्सटेंडेड बॉडी की स्टडी करना होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, तो हम उसके सेंटर ऑफ मास की ही स्टडी कर लेते हैं, पूरी बॉडी की स्टडी हो जाती है। फिर हम लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ मास डिपेंड किन बातों पर करता है। हमने बताया शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। फिर हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किसी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे जहां आप चाहे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लें। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट बॉडी के सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करें। फिर हम लोगों ने डिफरेंट बॉडी के सेंटर ऑफ मास की मोशन डिस्कस किया। अब हम रिजिड बॉडी स्टडी करेंगे कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। रिजिड बॉडी डायनामिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजिड बॉडी क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है। फिर देखेंगे रिजिड बॉडी की में दो तरीके की मोशन कौन कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। फिर रोटेशनल मोशन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए हम सबसे पहले देखें कि रिजिड बॉडी की कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, आइए देखें रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो अब लोग हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्या पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी है क्या। तो देखिए, सिंपल तो रिजिड बॉडी उसे हम डिफाइन करते हैं कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, बॉडी मोशन में हो, उसका शेप और साइज चेंज ना हो, तो हम कहते हैं वो रिजिड बॉडी है। क्या है, रिजिड बॉडी है। जब भी कोई बॉडी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रही हो और उसके शेप और साइज में चेंज ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो आइए हम देखें रिजिड बॉडी की डिफिनेशन क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज, हाउ एवर लार्ज एक्सटर्नल फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन इट। जब भी किसी बॉडी पर चाहे जितना लार्ज एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा हो, अगर उसकी बॉडी उस बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंज ना आए, तो रिजिड बॉडी कहलाती है। हम एक स्टोन ले लें, वो एक रिजिड बॉडी में आएगा। एक कोई स्टील बार ले लें, वो रिजिड बॉडी में आएगा। या दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो ये कोई एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पर आपने फोर्स एफ अप्लाई किया, ये एक्सटर्नल फोर्स है। हम इस रिजिड बॉडी के कोई दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ए और बी ले लिए, इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस है आर ए बी, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर ये चेंज ना हो, ये रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो हम कहेंगे ये बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है। तो जब भी कोई बॉडी एक एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रही हो और उसके किन्हीं दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मेंटेन देयर रिलेटिव पोजिशन व्हेन द बॉडी मूव्स सम एक्सटर्नल फोर्स। जब कोई बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही हो और उसके किन्हीं दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है, वो ना चेंज हो, वो कॉन्स्टेंट बनी रहे, तो हम कहेंगे वो बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है। क्या है, वो रिजिड बॉडी है। तो जब भी कोई बॉडी एक एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन में हो और उसके किन्हीं दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो अगर कॉन्स्टेंट रहे, तो हम कहते हैं वो बॉडी जो है रिजिड बॉडी है। ओके,
अ रिजिड बॉडी कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। एक रिजिड बॉडी पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्म नहीं होती है, उसका शेप और साइज नहीं चेंज होता है। ओके, इफ अ रिजिड बॉडी अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट, इट्स ऑल पार्टिकल अंडरगो सेम डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये कोई एक रिजिड बॉडी है, ओके, इसमें हमने कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, डेल्टा टी टाइम इंटरवल बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो आइए देखें दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है। ए कहाँ पहुँच गया, ए डैस पर, बी कहाँ पहुँच गया, बी डैस पर, तो ए का डिस्प्लेसमेंट हो गया ए ए डैस, बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया बी बी डैस, और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, ए ए डैस इक्वल टू बी बी डैस इक्वल टू डेल्टा आर। अगर हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, फिर टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो जाएंगे, क्या सेम हो जाएंगे, एक्सेलरेशन सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है, जब भी कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है, तो एक गिवन टाइम इंटरवल में उस रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उस रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए का होगा ए से ए डैश में, उतना ही डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी का होगा बी से बी डैश में, और जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी भी सेम होगी, फिर टाइम से डिवाइड करोगे तो एक्सलेशन भी सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में होती है तो उसके हर एक पार्टिकल आइडेंटिकली मूव करते हैं, हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा गिवन टाइम इंटरवल में, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगी, हर एक पार्टिकल का एक्सलेशन सेम होगा, और ये उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा। तो अगर हम उस बॉडी का केवल सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लें, उसी की स्टडी कर लें, तो पूरी बॉडी की स्टडी हो जाएगी। यही कारण है कि हम सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम किसी रिजिड बॉडी या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या एक्सटेंडेड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को हम आसानी से अध्ययन कर सकें या स्टडी कर सकें। ओके, आइए अब दूसरी बात देखते हैं। इफ अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स ऑल पार्टिकल रोटेट सेम एंगल इन गिवन टाइम इंटरवल। अब हमें पता है कि कोई भी रिजिड बॉडी, जैसे ये मार्कर है, ये या तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, या तो ये रोटेशनल मोशन करेगा, या तो ये ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों करेगा। तो कोई अगर रिजिड बॉडी है तो या तो रोटेशनल मोशन करेगी, या तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, या तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों करेगी। अगर कोई रिजिड बॉडी किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं गिवन टाइम इंटरवल में सब सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। आइए देखें हम एग्जांपल के थ्रू। ये कोई एक रिजिड बॉडी है, मान लीजिए कोई एक राड है, इस पर हमने दो पॉइंट ले लिया, एक क्यू ले लिया एक पी ले लिया। टी इक्वल टू टी वन सेकेंड पर राड यहाँ पर थी, टी इक्वल टू टी वन सेकेंड पर राड इस पोजिशन में थी, t इक्वल टू टी टू सेकेंड पर राड इस पोजीशन में आ गई, तो टाइम इंटरवल डेल्टा t हो गया t2 माइनस t1। अब इस टाइम इंटरवल में जो p पार्टिकल था वो कहाँ पहुँच गया, p डैश पर पहुँच गया, p पार्टिकल p डैश पर पहुँच गया, q कहाँ पहुँच गया, q डैश पर पहुँच गया। तो जितना एंगल p का होगा उतना ही एंगल q रोटेट करेगा, मीन्स जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट p का होगा उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट q का होगा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी p की होगी वही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, q की होगी। तो जब भी कोई रिजिड बॉडी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन करती है, तो उस केस में उसके हर एक पार्टिकल का एक गिवन टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ओके, आइए अब हम देखें कि क्या दुनिया में कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड है। नहीं, पूरी दुनिया में कोई बॉडी परफेक्ट रिजिड नहीं है। आप अगर एक लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे, हर बॉडी में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा। ओके, नो बॉडी कैन बी परफेक्टली रिजिड, कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है। इन प्रैक्टिस सॉलिड बॉडी ऑफ स्टील ग्लास कैन बी रिगार्डेड एज ए रिजिड। अगर कोई स्टील की बॉडी है, ग्लास की बॉडी है, इनको हम जनरली प्रैक्टिकल पर्पज के लिए रिजिड मान सकते हैं। ओके,
अ रिजिड बॉडी मे आइदर मूव बॉडीली एज अ होल इन एनी डायरेक्शन और इट मे टर्न अराउंड। कोई रिजिड बॉडी या तो एज अ होल बॉडी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, या तो होल बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, और या तो वो ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करेगी। तो अ रिजिड बॉडी में आइदर मूव बॉडीली, बॉडीली मतलब एज अ होल पूरी की पूरी बॉडी मूव करेगी इन एनी डायरेक्शन, और इट मे टर्न अराउंड या तो ये घूम सकती है, और रोटेट इन टू आर थ्री डायमेंशन। तो कोई रिजिड बॉडी या तो टू या थ्री डायमेंशन में रोटेट कर सकती है, या एज अ होल बॉडी जो है वो ट्रांसलेट कर सकती है किसी डायरेक्शन में, या वो टर्न हो सकती है। जैसे ये है तो ये टर्न हो गई, ठीक ना, और ये अगर रोटेट कर रही किसी का, वो ये रोटेट हो गई। एज अ होल बॉडी ट्रांसलेट हो सकती है। तो कोई रिजिड बॉडी एज अ होल या तो वो किसी डायरेक्शन में मूव कर सकती है जिसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, या तो वो टर्न हो सकती है, या तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है जिसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसका मतलब किसी रिजिड बॉडी में एक ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, एक रोटेशनल मोशन हो सकती है, और एक दोनों हो सकती है कंबाइंड। जैसे कोई कार है जा रही है तो उसका व्हील जो है वो रोड पर ट्रांसलेट भी कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास, और रोटेट भी कर रहा है। ओके, रिजिड बॉडी में एक ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, एक रोटेशनल मोशन हो सकती है, एक दोनों हो सकती है। वी कैन इमेजिन द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी टू बी दैट ऑफ वन सिंगल पॉइंट, नेमली सेंटर ऑफ मास विद होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड देयर। अगर हमें किसी रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी करनी है तो सबसे सिंपल तरीका है हम क्या करें, उस पूरे रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लें। ढूंढ लिया आपने, उस बॉडी के टोटल मास को उस पर कंसंट्रेट मान ले, कंसंट्रेट मान लिया, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट वहाँ अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दिया, अब उसी पॉइंट की स्टडी कर लीजिए, पूरी बॉडी की स्टडी हो जाएगी। तो जब भी किसी बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन की हमें स्टडी करना होता है, उस बॉडी के एक्चुअल शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं होता है, हम उस बॉडी को एज अ पॉइंट बॉडी मान लेते हैं, उस पर होल ऑफ द मास कंसंट्रेट मान लेते हैं, और उसी पॉइंट की स्टडी कर लेते हैं, तो पूरी बॉडी की स्टडी हो जाती है। ओके, जबकि रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं है। वी विल कंसिडर द रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, सच टाइप ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द प्लेन रोटेशन और टू डायमेंशनल रोटेशन। अब जब हम किसी रिजिड बॉडी के रोटेशनल की स्टडी करें तो उसमें दो तरीके की स्टडी हो सकती है, एक तो बॉडी रोटेट करती है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ट्रांसलेट करें, जैसा कि रोटेटिंग सीलिंग फैन में होता है, ठीक ना, हालांकि ये आपके आईआईटी जेई सिलेबस में नहीं है, ठीक ना। और एक है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहे और बॉडी रोटेट करती रहे, जैसे सीलिंग फैन होता है। तो इस टाइप का सिलेबस में आपके आईआईटी जेई और नीट में है, मीन्स किसी बॉडी का उस तरीके का रोटेशन जिसमें उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है और बॉडी उसके चारों रोटेट करती है, और ऐसे रोटेशन को हम प्लेन रोटेशन बोलते हैं या रोटेशन इन टू डायमेंशन बोलते हैं। ओके, तो हम इस टाइप के रोटेशन की स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए अब हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी कैसे होती है, कोई रिजिड बॉडी रोटेट कैसे करती है, उसके इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, उन पर बिफ न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, ये हम लोग हैंडल करेंगे। ओके।